अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड मानिया। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। हाजिर हैं आपके लिए एक मज़ेदार सी डेज़र्ट की रेसिपी लेकर, जिसका नाम है बसबूसा चीज़ केक। बहुत ही मज़े की और आसानी से बनने वाली रेसिपी है। ये एक फ्यूजन रेसिपी है, अरबीन डेज़र्ट और फॉरेन चीज़ केक। बहुत ही मज़े की और आसानी से बन जाएगी। इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत आम से लगते हैं, जो के पास रेडी अवेलेबल होंगे। बहुत ही आसानी से बन जाएगी, बेहतरीन रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चले हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चीज़ केक के लिए बिस्किट की लेयर तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने लिए हैं टी बिस्किट 160 ग्राम्स, उनको पाउडर कर लिया था। इसमें ऐड करते हैं मेल्टेड बटर 100 ग्राम्स और इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, ताकि जो बटर है और बिस्किट्स जो पाउडर किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये देखें, इनको अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। अब इनको लाइन कर लेंगे हम। एक फॉइल राउंड टिन लिया था मैंने, उसको लाइन किया था फॉइल के साथ, ताकि जब इसको हम डीमोल्ड करें ये आसानी से डीमोल्ड हो जाए। ऐड करेंगे इसमें अपना बिस्किट का मिक्सचर। अब इसको स्प्रेड कर लेंगे इवनली और इसकी क्रस्ट को फॉर्म कर लेंगे। अब इसको करते हैं साइड पर और चीज़ केक की लेयर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने क्रीम चीज़ ली है 4 क्यूब्स। ये रेगुलर क्रीम चीज़ है जो क्यूब्स आपको मिलते हैं, ये वही लिए हैं मैंने। शुगर ऐड करूँगी इसमें 1/2 कप। अब इसको कर लेंगे थोड़ा सा मिक्स, ताकि जो क्रीम चीज़ के लम्स हैं वो ख़त्म हो जाए और शुगर थोड़ी मिक्सअप हो जाए। शुगर इसमें आप योगर्ट ऐड करेंगे 170 ग्राम्स और अच्छे से इसको कर लेना है विस्क, ताकि ये क्रीमी सा तैयार हो जाए। ऐड करते हैं इसमें पाउडर्ड मिल्क 1 कप, इसको भी अच्छे से विस्क कर लेंगे, ताकि ये क्रीमी सा हमारा तैयार हो जाए। अब इसको पोर करेंगे हम क्रस्ट के ऊपर, जो बिस्किट की क्रस्ट बनाई थी, ये देखिए, इसको सारा स्प्रेड कर देंगे। और अब इसको बेक कर लेते हैं प्री हीटेड ओवन में 10 मिनट्स के लिए एट 180 डिग्री सेल्सियस। बसबूसा के लिए हमने लिया है यहाँ पर क्रीम 170 ग्राम्स। ऐड करते हैं इसमें ऑयल 1/2 कप, ये फ्लेवरलेस ऑयल है जो रेगुलर आप अपनी कुकिंग में यूज़ करते हैं। एग्स ऐड करेंगे, 3 एग्स ऐड किए थे मैंने। इसको अच्छे से हम करेंगे मिक्स, ताकि ये क्रीमी सा मिक्सचर हमारा तैयार हो जाए। अब इसमें सेमोलिना ऐड करेंगे, जो कि सूजी है 1 कप, इसको भी अच्छे से कर लेते हैं। नहीं, अब इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून, वनीला एसेंस 1 टीस्पून। अच्छे से हम इसको करेंगे विस्क, ताकि ये क्रीमी सा बैटर हमारा तैयार हो जाए। अब इसको पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें, हमारा चीज़ केक, बेहतरीन सा चीज़ केक तैयार हो गया है। अब जो बसबूसा की लेयर बनाई थी हमने बेस, उसको हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। बिल्कुल केयरफुली पाइप करना है, ताकि ये दोनों लेयर्स आपस में मिक्सअप ना हो। बेक कर लेंगे इसको भी प्री हीटेड ओवन में 15-20 मिनट्स के लिए एट 180 डिग्री सेल्सियस। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा बसबूसा तैयार है। इसके ऊपर पोर करेंगे वार्म शुगर सिरप। बसबूसा हॉट है और शुगर सिरप हमारा वार्म है। इसकी रेसिपी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऊपर से टॉप कर देंगे विद डेसिकेटेड कोकोनट, आमंड्स, ड्राइड रोज पेटल्स, मैंने इनसे गार्निश किया है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। अब इसको रेफ्रिजरेट करेंगे ओवरनाइट, ताकि अच्छा सा सेट हो जाए और बेहतरीन सा तैयार हो जाए। ये देखें, बेहतरीन सा हमारा बसबूसा तैयार है। अब इसको करते हैं डीमोल्ड। ये देखें, अब इसको किया है हमने डीमोल्ड, कट करके दिखाते हैं। इसके लेयर्स देखें कितने इवन और नीट एंड क्लियर हैं। बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। आसानी से बन जाती है और बहुत ही मज़े की है। आप अपनी दावत में, पार्टीज में इसको ज़रूर ऐड करें। ये देखें, माशाल्लाह, बहुत ही बेहतरीन और आसानी से बन गया है हमारा बसबूसा चीज़ केक। ये देखें, बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनी है, आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।